नमस्कार दोस्तों, आखिर हम आपके सामने कुछ नया आइडिया लेकर आए हैं और हमेशा आते हैं और बताते हैं कि बिजनेस को कैसे किया जाए, ठीक है, और कैसे शुरुआत किया जाए, औरों को कैसे हेल्प किया जाए। अलग अलग तरीका से हम बताते रहते हैं, अलग अलग टॉय बताते हैं, अलग अलग आइडिया बताते हैं, हमेशा बताते हैं शुरुआत कैसे करें। मार्केट में जाने में सबको हिचकिचाहट होता है, डर होता है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ देखते हुए हम हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि ताकि आप भी, आप लोग भी जागरूक हो और अपना रोजगार हो, अपना बिजनेस हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग हो, अपना मार्केट में जाएं, सेल्फ डिपेंड रहे, कभी किसी का मतलब अंडर में भी ना आप रह सकते हैं, ठीक है। आपको जब चाहिए शादी में जाना, ब्याह में जाना, सब प्रोडक्शन को देकर आप जा सकते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है, काम इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इसमें आपका रिस्क भी नहीं है। आप चाहिएगा तो अलग अलग बिजनेस भी कर सकते हैं, इसको साइड बिजनेस के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, आप 2 घंटा 4 घंटा काम करके। हमारे पास जो टॉय है इसको जो आइडिया भी बताने वाले हैं, ये आइडिया देखिए, ये इस प्रकार का तीर धनुष है, ठीक है, ये बच्चों लोग का है जो मार्केट में ज़बरदस्त चलती है और जिसको हम लोग रामबाण बोले या क्या बोले, इस प्रकार से देखिए रहता है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो ये मार्केट में आप चाहिएगा तो 5 वाला बना सकते ना, तो 2 रुपया वाला, ये 2 रुपया वाला ज़्यादा चलता है। अब इसको यहाँ से क्या करना, इस लबड़ में फंसा लेना है और इस प्रकार से बच्चों लोग मारेगा तो जाएगा, ठीक है। कैमरा मैन के आँख में लग चुका है, ठीक है, तो ये देखिए कि ये एक तरह से देखा जाए तो बच्चे लोग के लिए, और संभाल के भी खेलना पड़ता, बच्चे लोग तो बड़ा बड़ा लकड़ी का ही तीर धनुष बना देते हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, उन लोग का जिंदगी में प्रयास रहता है एक बार ना एक बार जरूर खरीदना है। जो भी बच्चा लोग जन्म लेगा, नया नया जनरेशन आएगा, आप कितना हो आप खेल चुके हैं, आपके लिए पुराना हो सकता है, मगर जो नया बच्चा है उसके लिए ये नया है, वो हर बार खोजेगा, एक बार इसको जरूर वो अपना अंडर में लेना चाहेगा, खरीदना चाहेगा। जो भी टॉय मार्केट में नया आएगा उसको सोचेगा कि ना एक बार मेरे पास ये मेरा अपना हो, ठीक है, तो ऐसा ना सोचे कि पुराना आइटम है, क्योंकि दुनिया में जनसंख्या हमेशा बढ़ते जा रही है और नया नया लोग बच्चा का जन्म भी हो रहा है, तो जब जो बच्चा छोटा वो बड़ा होगा तो पकड़ लेगा। आप तो सोच रहे होंगे नहीं ये तो पुराना आइटम है, आइटम पुराना है, हमारा बच्चा तो नया है, उसके लिए ये तो नया है, ठीक है, और जो एक बार खेलेगा, ठीक है, फिर दोबारा दूसरा बच्चा भी देखेगा वो भी लेगा, तीसरा चौथा पंचमा लेते रहेगा, हो सकता पुराना आइटम है, उसके बाद दूसरा का बच्चा भी लेगा, तीसरा का बच्चा, पुराना बच्चा, नया बच्चा, सब मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रलोभन के चीज़ है। बनाने का तरीका भी नया नया तरीका सब बना सकते हैं, दुकानदार को प्रलोभन दीजिए, ठीक है, मतलब हर प्रकार से। तो देखिए इसको जो अभी बताने वाला है, इस प्रकार का पन्नी लेना है आपको, ठीक है, और इस प्रकार का देखिए कि ये चलनी है, ये चलनी जो होगा ये दुकानदार को बचेगा, जो मार्केट में भी जाइएगा तो इसका दाम 20 रुपया है, 15 रुपया है, ऐसे करके बिकता है, तो ये दुकानदार को तो सॉलिड 15 रुपये सही बचने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस प्रकार से 50 पीस जो है ये भर देना है, ये 50 पीस इसमें आपको भरना है, गिन के ये टोटल मान लीजिए ये है 144 पीस का, तो 72 पीस 50 पीस 60 पीस बना सकते, तो ये 60 पीस का बना सकते हैं, ठीक है, तो 60 पीस का बनाना है, ठीक है, और इसमें ये 60 पीस गिन के डाल देना है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके अंदर में डाल देंगे, आप चाहिएगा तो टोकरी पहले डाल सकते हैं, उसके बाद फिर इस प्रकार से, तो देखिए लुक बढ़ाने के लिए खाली सीखना है और कुछ करना नहीं है, तो देखिए इसको हम लोग कैसा भी बनाएंगे, इसको लुक कैसे देंगे, वो सारा चीज़ अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये 60 पीस दिए, एक चलनी दिए, एक पन्नी का इस्तेमाल किए, ठीक है, ये लगभग 60 पैसा पड़ता है एक पीस का, मान लो एक चलनी है वो भी 5 से 6 रुपये के बीच में आ जाएगा, पन्नी भी 2 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसमें कैंडी देंगे, कम से कम 15 रुपये का कैंडी देंगे, अगर 60 पीस का बना रहे हैं तो 25 पैसे करके कैंडी लगभग आ जाता है, ठीक है, तो 25 पैसा का कैंडी अगर डालेंगे 60 पीस, तो सोच लीजिए, ठीक है, लगभग 15 रुपये का कैंडी चला जाएगा, ठीक है, तो कैंडी भी देंगे, नोट भी देंगे, एक फोटो है, इस प्रकार से फोटो दे दीजिए, लुक बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 रुपया आपको पड़ने वाला है, इससे कुछ होने जाने नहीं है, ये लुक सिर्फ लुक बढ़ाने के लिए है, दुकानदार चाहेगा तो इसको भी बेच देगा 2 रुपया 5 रुपये पत्ता करके, 1 रुपये पत्ता करके, ठीक है। और इसको उल्टा साइड डाल दीजिए कि ताकि लुक बढ़े, या फिर इसको उलट के दे दीजिए, थोड़ा सा स्पेस देके, मतलब कि आप अपना थोड़ा सा माइंड लगा कर सेट कर सकते हैं, अगर दुकानदार देखेगा तो इस प्रकार से इधर ऐसा रहेगा और इधर इस प्रकार से ऐसा रहेगा। तो और इसमें अभी हम चॉकलेट डालने वाले हैं, जो इमली लड्डू पड़ती है या कोई भी चॉकलेट है, इस प्रकार से चॉकलेट ले लीजिए,
चॉकलेट लेके यहाँ इसको सील कीजिए, अभी हम सील करके दिखाते हैं, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जो अभी ये है इसको तैयार करके रेडी करके रख लिए हैं, ये पूरा का पूरा 1 रुपया में माल तैयार हुआ है, 1 रुपया 5 पैसा तक ये माल तैयार हो चुका है और ये मार्केट में 2 रुपया बिकेगा। ये 60 पीस का बनाए हैं, इसमें 62 रुपया खर्चा आया है, ठीक है। आप इसको चाहिएगा मार्केट में तो 90 रुपया में दे सकते हैं, 120 रुपया उठेगा, आप 80 में दे सकते हैं, 120 रुपया उठेगा, क्योंकि ये 2 रुपया वाला आइटम है। आप इसी को 5 रुपया मार्केट में जब बेचिएगा ना तो सोच लीजिए क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिर्फ 2 रुपया वाला हम बताए हैं, ठीक है, ये 2 रुपया में सोच लीजिए दुकानदार का भी मिलेगा, ठीक है, बच्चों लोग एक तो ये मिल जाएगा, एक चॉकलेट मिल जाएगा, एक नोट मिल जाएगा, चाहिएगा तो एक फोटो मिल जाएगा। 2 रुपया में सोचिए क्या क्या मिलने वाला है, 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम और 4 आइटम सोच लीजिए, और ये मार्केट में 2 रुपया में बिकेगा। प्रोडक्शन 50% 55% में तैयार रेडी हो रहा और मार्केट में बिके कितना, 2 रुपया में, मतलब, ठीक है। आप इसको चाहिए तो 5 रुपया वाला बना सकते, दुकानदार के लिए चलनी फ्री दिया गया, ठीक है, ये देखिए चलनी जो है ये फ्री दिया गया इस प्रकार से, ठीक है, कि दुकानदार का प्रलोभन, दुकानदार का प्रलोभन ही आपको आगे तक ले जा सकता है। दुकानदार का व्यवहार, दुकानदार का तरीका आप उनका समझ गए कि वो, बहुत लोग जो दुकानदार जो होते हैं ना सोचते हैं भैया हम लोग के लिए कुछ बेनिफिट स्कीम, माल जितना बेच रहे हैं कुछ तो बचना चाहिए, गांव बस्ती दुकानदार है तो आप चाहिए कि ऐसा ऐसे 100 पैकेट पर एगो दुकानदार के भी दे सकते हैं, ये तो गांव बस्ती दुकानदार के लिए हो गया ना। आप जो महाजन होलसेलर उडकोल के लिए भी कुछ दीजिए, टी शर्ट फ्री दीजिए, 100-150 रुपये ले टी शर्ट दे दीजिए। अब 10,000 का माल बेचा, 5,000 का माल बेच रहा आपका, अब साल में एक टी शर्ट दे दीजिए अपना ब्रांड बनाकर, तो सोच लीजिए क्या लुक मिलेगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे, देखिए बिजनेस है, आप बिजनेस को शुरुआत कीजिए, ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं, बिजनेस जब शुरुआत कीजिएगा तो कष्ट समस्या सब आएगा, ये तो ले कर चलिए, ठीक है, ये जिंदगी का पार्ट है। समस्या जो आदमी जब जन्म लेता है ना, जब बच्चा जन्म लेगा उस समय भी वो समस्या, ठीक है, आता है, वो भी कष्ट करके ही आता है, ठीक है, उसको भी कष्ट है, उसके बाद जब मरता है आदमी फिर भी कष्ट है, जिंदगी जब जिएगा तो कष्ट तो रहेगा, मगर कष्ट को खत्म कैसे किया जाए वो चीज देखना है, ठीक है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है और मरना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मगर कष्ट से जिंदगी तो जन्म ले लिया है, मगर जिंदगी जिए कम से कम अच्छा, और मरते समय 4 आदमी जाने के, ये व्यक्ति कुछ करके गया है, ठीक है, अगल बगल गांव बस्ती वाले बोले आदमी प्रयास किया। अगर आदमी जब मरता भी है ना तो अगर आप अच्छा काम करके जाइएगा ना तो 4 आदमी पूछेगा ना, वो लड़का था, मेहनती था, ये किया, प्रयास किया, बढ़ने का प्रयास किया, अपना खानदान का, अपना परिवार का आगे की ओर ले जा रहा है, ये चीज आपका सवाल, वो सब बात करेगा आपके बारे में, अच्छा अच्छा बात करेंगे, ठीक है, मर जाने के बाद भी सबके दिल में आप रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो बिजनेस उसी प्रकार से आप कुछ कर गुजरिए कि हमको कुछ कर देते हैं आने वाले पीढ़ी के लिए, जरूरत नहीं है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस के बारे में बात करें, हम बार बार यही चीज बोलते रहते हैं हर वीडियो में, आप कोई भी बिजनेस कीजिए जहां आपको जानकारी ज्यादा हो, जिस बिजनेस में ज्यादा आपको लग रहा है कि ग्रोथिंग ज्यादा है उस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा बढ़िए, प्रयास कीजिए, आप बढ़िए, आने वाला पीढ़ी खुद बढ़ेगा। अगर आप 4 सीढ़ी चाहिएगा तो वो आने वाला जो पीढ़ी है वो 4 सीढ़ी से 8 सीढ़ी ले जाएगा, और वो 8 से 16 ले जाएगा, 16 से 32 ले जाएगा, इस प्रकार से आपका पीढ़ी बाय पीढ़ी बढ़ते रहेगा। आप सिर्फ सोचिएगा कि मेरा आने जो पीछे का जो पीढ़ी है हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है, हो सकता है गरीबी है, समस्या है, मगर आप तो कुछ कर सकते हैं आने वाले पीढ़ी के लिए, आप तो कुछ बदल सकते हैं, ये चीज सोच रखिए, ठीक है। तो आप भी बदल जाइएगा, आने वाला पीढ़ी भी बदल जाएगा, सबको बदलेगा, ठीक है। तो मेन शुरुआत है, आप शुरुआत जब कीजिएगा छोटा लेवल से तो आने वाला पीढ़ी आपको थोड़ा सा बड़ा करेगा, तो हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, तब जाके बिजनेस को स्टार्ट कीजिए।